समन इन अनदर वर्ल्ड फॉर सेकेंड टाइम के एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोग को पास्ट की चीजें दिखाई जाती है, जहाँ पर सेत्सु यानी कि यूकी अभी बच्चा है। वहीं पर यूही जो कि उसके घर के पास ही रहती है, वो यूकी से कहती है क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे, तो यूकी मना कर देता है और कहते हैं नहीं आज बहुत गर्मी है। यह सुनकर यूही शौक हो जाती है और मन में कहती है ये कितना कोल्ड हार्ट पर्सन है और डरावना भी है। लेकिन क्योंकि वो अपने घर के आसपास रहा करते थे, वो एक साथ खेलना शुरू कर गए थे और यूकी तो यूही की मदद भी करने लग गया था उसका स्कूल होमवर्क पूरा करवाने के लिए। यूही को रियलाइज हो जाता है कि यूकी काफी ज्यादा काइंड पर्सन है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग बड़े हो जाते हैं, जहाँ पर यूकी एक अलग ही स्कूल में जाएगा। वहीं पर यूही जो कि पढ़ाई में कमजोर है, वो यूकी से कहती है लगता है मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हारे वाले स्कूल में आने के लिए। तो यूकी उसे कहता है परेशान मत हो, अगर तुमसे ये नहीं होता तो तुम किसी इजी स्कूल में चली जाओ, ये जरूरी थोड़ी है कि हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े। ये सुनकर यूही को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं यूही यूकी के स्कूल में जाने के लिए काफी सारे ट्यूशंस लेती है और एकदम मन लगाकर पढ़ाई करती है ताकि उसके अच्छे नंबर आ सके। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी यूही के अच्छे नंबर नहीं आ पाए। वो सोचने लगती है शायद से मुझसे नहीं होगा, ऐसा बोलने के बाद वो घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन इतने में उसे कुछ लोग मिलते हैं जो कि उसे रोककर कहते हैं तो तुम्हारे नंबर कम आ ही गए, तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, इससे अच्छा हमारे साथ आकर घूमने चलो। वो लोग यूही को परेशान कर रहे होते तभी अचानक से वहाँ पर यूकी आ जाता है जो कि उन लड़कों को रोकता है और उन्हें वहाँ से चुपचाप जाने के लिए कहता है। तो वो लोग भी डर जाते हैं और अब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके यूकी यूही से कहते हैं अब तुम क्या करोगी, इन लोगों ने जो तुमसे कहा वो सच भी है, तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। जिस पर यूही नहीं मानती है और वो कहती है भले ही लोग मुझे गिव अप करने के लिए कहें लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में जाना चाहती हूँ। तो यूकी से कहते हैं ठीक है अगर तुमने ये डिसाइड कर ही लिया है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाने में हेल्प करूंगा, लेकिन याद रखना मैं तुम पर इजी नहीं रहूंगा, तुम्हें कोई भी कंप्लेन नहीं करनी है। ये सुनकर यूही भी खुश हो जाती है और कहती है ठीक है मैं मन लगाकर पढ़ूंगी तुम्हारा शुक्रिया। यूही मन में कहती है यूकी मैं तुमसे प्यार करती हूं इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूं। जिसका सीन चेंज होता है और प्रेजेंट में दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो लड़कियां फायरबॉल का यूज करके टारगेट के ऊपर हमला करती है, जिसके बाद वो दोनों खुश होकर सेलिब्रेट करने लगती है कि उन दोनों ने काफी अच्छा किया। तभी अचानक से वो लोग यूही को देखते हैं जो कि टारगेट के ऊपर हमला करके उसे पूरी तरीके से तोड़ देती है। ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो यूही की तारीफ करने लगते हैं, जिसका दिल का सभी से कहती है आज के लिए इतना काफी है, हम लोग आगे की प्रैक्टिस कल करेंगे। ये सुनकर सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यूही एल्का के पास जाती है और उन दोनों से कहती है तुम दोनों यूकी के दोस्त हो ना, जिस पर लोग कहते हैं हाँ हम लोग उसके साथी भी हैं, हम लोग उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। ये सुनकर यूही उनसे कहती है ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे स्पेशल ट्रेनिंग दे सकते हो क्योंकि मुझे यूकी के साथ रहना है। जिस पर एल्का भी मान जाती है और वो यूही को बाहर ले आती है और कहती है ये है दुनिया जिसको सेत्सु ने बचा कर रख रखा है, मैं पक्के से कह सकती हूँ यूकी यानी सेत्सु इस समय बाहर कहीं पर लड़ रहे होंगे इस दुनिया की शांति को बचाने के लिए, उसके कंपेनियन होने के तौर पर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग तैयार रहे। ये सुनकर यूही कहती है मैं भी तैयार हूँ, मैं सेत्सु के साथ रहना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास ताकत की कमी है इसलिए एल्का मुझे ट्रेन करो। तो एल्का भी मान जाती है और उसे कहती है पहले मुझसे लड़कर दिखाओ, ऐसा बोलने के बाद वो यूही के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं पर यूही भी अपने वेपन से एल्का की तलवार को काफी इजीली से रोक लेती है, तो एल्का थोड़ा पीछे जाती है और कूद कर यूही के ऊपर आइस से हमला करती है। उन आइस से बचने के लिए यूही एक आग का चक्र बना लेती है और उन सारी आइस को पिघला देती है। इस बात से एल्का यूही से काफी ज्यादा इंप्रेस होती है, वो उसे कहती है लगता है तुमने अभी तक रियलाइज नहीं किया लेकिन तुम अभी से ही काफी स्ट्रांग हो, दूसरे वर्ष से बाकी जितने भी बच्चे आए हैं वो तो एक्सेप्शन है लेकिन तुम थोड़ी स्पेशल हो, लेकिन अगर तुम सेत्सु के साथ रहना चाहती हो तो तुम्हारे अंदर एक कमी है जिसे तुम्हें सुधारना होगा। ये सुनकर यूही उसे पूछती है मेरे अंदर कौन सी कमी है, तो एल्का यूही को अपने साथ एक सीवर में लाती है और कहती है यहाँ पर मॉन्स्टर्स रहते हैं जिनके साथ हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, तुम भी यहाँ पर अब ट्रेनिंग करोगी। इतने में हम लोग देखते हैं पानी में से एक मॉन्स्टर निकलकर बाहर आ जाता है, उसे देखकर यूही काफी ज्यादा घबरा जाती है। तो एल्का उसे कहती है घबराने का समय नहीं है, इसके ऊपर जाकर हमला करो। तो अब यूही थोड़ी हिम्मत जुटाती है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी फायर से हमला करती है और उसे जला देती है। और अब एल्का से कहने लगती है मैंने उसे हरा दिया, देखा तुमने, जिस पर एल्का उसे कहती है ध्यान दो वो अभी तक मरा नहीं है। इतने में हम लोग देखते हैं मॉन्स्टर वापस से खड़ा होकर यूही के ऊपर अपने पंजों से हमला करके उसे घायल कर देता है। इस वजह से यूही थोड़ी गुस्से में आ जाती है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर एक काफी बड़े फायरबॉल से हमला करके उसे दूर गिरा देती है, लेकिन इससे भी वो मॉन्स्टर मरता नहीं है। यूही अब उस मॉन्स्टर से कहने लगती है अगर तुम इसी तरीके से ही लोगे तो मुझे तुम्हारे पर वापस से हमला करके तुम्हें घायल करना होगा। ये सुनकर एल्का यूही से कहती है ज्यादा सोचो मत, उसे खत्म कर दो, सच बताऊं तो मैजिक एबिलिटीज में तुम मेरी जितनी ही स्ट्रांग हो लेकिन तुम्हारे अंदर जो कमी है वो है दुश्मनों को खत्म करना, ये वॉर है तुम्हें डरना नहीं चाहिए दूसरे को खत्म करने के लिए, तुम्हारी ये डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। ये सुनकर यूही भी सोचती है कि वो किसी को भी इस तरीके से जान से तो नहीं मार सकती है, जिसके हम लोग एल्का को देखते हैं जो कि बिना डर के उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे मार देती है और फिर वो वहां से चली जाती है। वहीं पर यूही नीचे बैठकर सोचने लगती है तो यह है मेरी सबसे बड़ी कमी। और अब अगली सुबह हम लोग यूही को देखते हैं जो कि अपने कमरे में उदास बैठी होती है, तभी दिया वहां पर आती है जो कि अपने मैजिक का यूज करके यूही की चोट को ठीक कर देती है और उसे कहती है एल्का की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, वो थोड़ी सी ज्यादा रफ हो गई तुम पर, जिस पर यूही कहती है कोई बात नहीं मैंने एल्का से कहा था कि मुझे स्ट्रांग ट्रेनिंग
ट्रेनिंग चाहिए। ये सुनकर दिया उसे कहती है, तुम हम लोग को ज्यादा डिफरेंट नहीं लगती हो, तुम हमारी साथी जैसी लगती हो, इसलिए तुम पर एल्का थोड़ी ज्यादा हार्ड हो गई थी। वो बस तुम्हारे अंदर की कमी को ठीक करना चाहती थी। लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम सेत्सु के साथ क्यों रहना चाहती हो? तुम्हें पता तो है ना, अगर तुम उसके पास रहोगी तो तुम्हें काफी खतरा है। जिस पर यूही कहती है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे यूकी की मदद करनी है, क्योंकि उसने मेरी मदद करी थी, पूरी जिंदगी उसने मेरी मदद करी है, इसलिए मेरी बारी है उसकी मदद करने की। ये सुनकर दिया उसे कहती है, काफी अच्छी बात है, मैं तुम्हें इस बारे में गुड लक देती हूँ कि तुम भी स्ट्रांग बनोगी। जिसके बाद दिया बाहर आ जाती है। वहीं पर हम लोग देखते हैं एल्का भी बाहर खड़ी होती है। दिया एल्का से कहने लगती है, चिंता मत करो, यूही काफी स्ट्रांग है। जिस पर एल्का कहती है, मुझे पता है, वो इतनी स्ट्रांग तो है कि वो वॉर में खुद को संभाल सकती है, लेकिन वो अगर इसी तरीके से हमारे साथ रहेगी तो पता नहीं उसके ऊपर कैसा खतरा आ सकता है, उसे लड़ना नहीं चाहिए। तो दिया कहती है, ये सब यूही के ऊपर डिपेंड करता है, वो खुद डिसाइड करेगी कि उसे लड़ना है या फिर नहीं लड़ना है। हम लोग का बस यही काम है कि अगर उसे कोई भी मदद चाहिएगी तो हम उसकी मदद करेंगे, ऐसा बोलकर दिया वहां से चली जाती है। और अब शाम को हम लोग देखते हैं ग्लेन को, जो कि कहीं पर जा रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है यूही के ऊपर, जो कि अकेली खड़ी होती है। वो उसे जाकर पूछता है क्या हुआ, जिस पर यूही उसे सारी बातें बता देती है। तो ग्लेन उसे समझाने लगता है कि डरना तो आम बात है, ये तो नेचुरल होता है। ये सुनकर यूही उसे पूछती है, आपको लड़ने की हिम्मत कहाँ से आती है? जिस पर ग्लेन कहता है कि मैं एक सोल्जर हूँ और मैं दूसरों को सफर करते हुए नहीं देख सकता हूँ, लोगों को बचाने के लिए और दुनिया में पीस रखने के लिए मैं लड़ता हूँ। और अब वो यूही से कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें भी लड़ने का कोई रीजन मिल जाएगा। ये सुनकर अब यूही सोच में पड़ जाती है। वो सोचने लगती है कि मुझे लड़ना भी है, लेकिन मैं ऐसे लड़ना चाहती हूँ कि मैं ही रहूं। यूही थोड़ी सोचती है और अब उसे अपना रीजन मिल जाता है। वो कहने लगती है, अब मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। और अब अगले सीन में ट्रेनिंग करते समय हम लोग देखते हैं यूही को, जो कि एक काफी बड़ा फायरबॉल का हमला करती है अपने टारगेट के ऊपर। वो टारगेट पूरी तरीके से गायब हो जाता है, वहां तक कि जमीन भी टूट जाती है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और अब यूही की तारीफ करने लगते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं, इस बार यूही एल्का को अपने साथ लेकर आती है सीवर में जाने के लिए। एल्का भी समझ जाती है कि यूही ने अब एक डिसीजन ले लिया है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं पानी से वही मोशन निकल कर अब बाहर आ जाता है। इस बार यूही डरते नहीं है, वो काफी ज्यादा फोकस रहती है। वो अब एल्का से कहती है, मेरे डिटरमिनेशन देखना। ऐसा बोलने के बाद यूही अब उस मॉन्स्टर के ऊपर एक काफी बड़ा फायरबॉल का हमला करके उसे जला देती है। ये देखकर एल्का उसकी तारीफ करती है और कहती है, तो आखिरकार तुमने मॉन्स्टर को मारना सीख ही लिया। तो यूही उसे कहती है, मैंने इसे मारा नहीं है, बल्कि इसे रोक दिया है। वहीं पर हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर तो अभी भी सही में जिंदा है। यूही अब कहती है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं कभी भी नहीं हारूंगी और किसी की भी जान नहीं लूंगी। तो अब एल्का उसे कहती है, तुमने बिल्कुल सेत्सु की तरह जवाब दिया है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे इस डिसीजन से मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ। इसका मतलब मैं और ज्यादा मेहनत करनी होगी। जिस पर यूही भी कहती, हाँ मैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी, ताकि मैं सभी को, खास करके सेत्सु को प्रोटेक्ट कर सकूं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वॉर का ऐलान हो जाता है, जहाँ पर सभी हीरो से कहा जाता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, हम लोग कल शाम को निकलेंगे और डिमोनिक किंगडम से अपने नेशन को बचा कर रहेंगे। ये सुनकर अब सभी हीरो तैयार हो जाते हैं और अब वो कहने लगते हैं, तो अब समय आ गया है लड़ने का। वहीं पर अब हम लोग को यूही को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा जोश में खड़ी होती है। वो मन ही मन में यूकी से कहती है, तुम मेरा वेट करना। और अब हम लोग देखते हैं वो लोग अब बाकी सभी के पास चली जाती है। और इसी के साथ हो जाता है एपिसोड यहीं पर खत्म। तो फिर पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।